पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। अमित मालवीय ने लिखा है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है आतंकी देश पाकिस्तान। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीनगर में रैली, जम्मू के कटरा में भी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब, पूछा राहुल की करतूतों को क्या भूल गई कांग्रेस, राहुल ने पीएम मोदी को गाली दी थी। दिल्ली में भाषण के दौरान नारेबाजी कर रहे लोगों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने टोका, कहा नारों का भी स्थान होता है। कार्यक्रम में कुछ युवक वंदे मातरम और जय श्री राम के लगा रहे थे नारे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। रोहतक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद। दिल्ली की नई सीएम आतिशी 21 सितंबर को लेंगी शपथ, सीएम के साथ ही बाकी मंत्री भी शपथ लेंगे। बिहार के नवादा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जमीन विवाद में दलित बस्ती में लगा दी आग, 10 गिरफ्तार। दलित बस्ती पर हमले को लेकर तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट, लिखा नीतीश राज में बिहार में आग ही आग है, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। नवादा की घटना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का एनडीए सरकार से सवाल, कहा प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह मौन, सत्ता के लालच में नीतीश हैं बेफिक्र। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों और मुख्य सचिव के बीच बातचीत बेनतीजा, डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी बच्ची को सुरक्षित निकाला गया, करीब 18 घंटे तक बोरवेल में फंसी रही 2.5 साल की मासूम। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव हो गया, 68 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। हैदराबाद में फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है, बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है, कल कुछ लड़कों ने लहराए थे फिलिस्तीनी झंडे। मथुरा में बीती रात पटरी से उतरी मालगाड़ी, कई ट्रेनें रद्द, 18 ट्रेनों को किया गया डायवर्ट, ट्रैक मरम्मत का काम जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रूट पर रेल हादसा हो गया, मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतरी, कई ट्रेनें डायवर्ट हुई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मुठभेड़ हो गई, एक अपराधी गिरफ्तार, दूसरा फरार, 9 सितंबर को लूट कांड में शामिल थे दोनों अपराधी। मेरठ में दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन, हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, अभियान में यूपी पुलिस भी शामिल है। दिल्ली के शांतिवन इलाके में सड़क हादसा हो गया, 2 लोग घायल, रेलिंग से टकराई कार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बारिश की वजह से कई जगह हुए गड्ढे, 4 में से 2 लेन प्रभावित हुई हैं, मरम्मत का काम जारी। पटना में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाके में 76 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुंबई के लोखंडवाला में 2 बंगलों में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इधर राजस्थान में भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है, 21 सितंबर तक चलेगा ये युद्धाभ्यास। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, शामिल हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। लेबनान में लगातार 2 दिन सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, पेजर के बाद कार, स्कूटी, मोबाइल में धमाके हुए, वॉकी टॉकी और लैपटॉप में भी ब्लास्ट हुआ है, 2 दिनों में 36 की मौत हो गई है।